नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो संक्षिप्त में विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से बेरोजगारों को बहुत आस है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उससे बहुत सारी भर्तियां आएंगी जिससे अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सकेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा? क्या जिस बोर्ड के माध्यम से पहले भर्ती होती थी उसी बोर्ड के माध्यम से होगा या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा? तो इसी सवाल का जवाब लेकर मैं आया हूँ। विज्ञापन कब तक जारी होगा, किस माह में जारी होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नियुक्ति के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा से बेरोजगारों में उम्मीद जगी है। नौकरी के लिए सालों से भटक रहे अभ्यर्थियों का मानना है कि यदि सरकार अच्छी छवि के अध्यक्ष और सदस्यों को रखती है तो समस्याएं नहीं रहेंगी। हालांकि एक तबका इसकी सफलता को लेकर आशंकित है। क्यों आशंकित है, इसका क्या कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा और बेसिक जो भी भर्तियां आती थी अलग अलग आती थी, तब भी समय से पूरा नहीं हो पाती थी। जब एक आयोग होगा, अब तीनों बोर्ड आयोगों की भर्तियां एक ही आयोग से की जाएंगी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, तो क्या भर्तियां समय से पूरी हो पाएंगी, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य से क्या काम पूरा हो पाएगा? तो ये 2 बड़े सवाल हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी आशंकित हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यालयों की भर्ती भी नए आयोग को देने की तैयारी। अब बताइए कि जो विज्ञापन जनवरी 2020 में आने वाला था, अब उसमें विलंब होगा या नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला था वह अब फरवरी या मार्च माह में जारी होगा। तो क्या मेरी बातें गलत थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप यहां पर देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, नया आयोग प्रदेश के 2294 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए ये भर्तियां की जाती हैं। 17 जून को माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना के संबंध में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की वर्तमान व्यवस्था के अलावा सभी श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती चयन बोर्ड से करने के आदेश दिए थे। अब चूंकि चयन बोर्ड की विलय भी नए आयोग में होने जा रहा है, तो ये भर्तियां भी नई संस्था से ही की जाएंगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियां आने वाली थीं उसका विज्ञापन फरवरी के द्वितीय पक्ष में जारी होगा, उससे पहले विज्ञापन जारी होने वाला नहीं है। तो आप सभी अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है।